हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एंड स्टडिंग वेरी वेल। चलिए आज आप लोग को हम एरिया निकालना बताते हैं। पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एक एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया और उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम आप लोग को समझा देते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। बता भी चुके हैं पीछे भी थोड़ा सा। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, ठीक ना? ये लाइन है पैरेललोग्राम की, ये अपोजिट जो दोनों साइड रहती है, ये पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। और एक चीज ये होता है कि इनका जो एंगल होता है, एंगल इनके एंगल का सब तो 360 होता है, लेकिन इसके एंगल 90 के नहीं होते। अगर एंगल 90 के हो जाते हैं तो ये रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक ना? पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप से होता है, थोड़ा सा तिरछा इस टाइप को, चाहे इधर का दबा रहे चाहे उधर का दबा रहे, उससे कोई वो नहीं है। मान लेते हैं कि ABCD कोई पैरेललोग्राम है। अगर इसकी ये वाली साइड इसकी अगर x है, तो इसकी अपोजिट साइड भी इसी के पैरेलल और इक्वल लेंथ की होती, यानी ये वाली भी साइड इसकी x होगी, ठीक ना? और अगर ये बगल वाली साइड y है, तो ये वाली भी साइड इसकी y होगी। अब पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा और पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ठीक ना? यहाँ पे हम आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले तो देख लो एरिया और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख देते हैं, एरिया और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा, किसी भी एक बेस को ले लें, ठीक ना? ये भी बेस है, ये भी बेस, ये बेस या ये बेस, किसी भी एक बेस का करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, मतलब इस बेस पर एल्टीट्यूड एक रहना चाहिए। एल्टीट्यूड क्या होता है, ये जैसे ये बेस है इसका, इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, यहाँ ऊपर से पड़ने वाली इस पे लाइन 90 डिग्री पर जो पड़े, ठीक ना? ये लाइन जो 90 डिग्री पर पड़े इस पर, इस बेस पर, अगर ये लाइन दी है, मान लीजिए लाइन ए है, तब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, सिर्फ एक्स इंटू ए, यानी का बेस इंटू हाइट, बेस इंटू एल्टीट्यूड का मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा सिर्फ बेस इंटू एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक ना? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, x इंटू ए। इट मींस क्या हो गया, x मींस हो गया बेस और a मींस हो जाएगा एल्टीट्यूड, बेस और, हाँ एक चीज ध्यान देना है कि करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ही रहना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मतलब जो बेस हो उसी पर एल्टीट्यूड पड़ा हो, यानी कि बेस ये और एल्टीट्यूड ऐसे पड़ा हो उसको नहीं लेंगे ना, जो जिस बेस पर ही एल्टीट्यूड पड़ा रहना चाहिए, गुणा कर लेंगे x इनटू एल्टीट्यूड, यही हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। आगे जब एग्जांपल या क्वेश्चंस लेंगे उसमें आप लोगों को बताएगा, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए बेस इनटू एल्टीट्यूड का मल्टीप्लाई बस कर देना है, एरिया मेरा निकल जाएगा आसानी से, ठीक ना? बेस इनटू एल्टीट्यूड। अगर बात करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर थोड़ा सा देखें, अगर जैसे ये वाला बेस भी हम ये वाला बेस ले रहे हैं, अगर इसको बेस ले रहे हैं तो इस पर एक पड़ा रहना चाहिए एल्टीट्यूड, उसकी लेंथ पता रहे, ठीक ना? अगर इसको बेस ले रहे हैं तो इस पर एल्टीट्यूड पड़ा रहना चाहिए, इसकी लेंथ पता रहे, तो वाई इंटू ये वाला एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ से एल्टीट्यूड है तो ये वाई इंटू ये वाले एल्टीट्यूड का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना? एकदम निकल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पेरीमीटर, ठीक ना? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, जैसा कि पेरीमीटर होता क्या है, उसकी सभी साइड का सम, चाहे ट्रायंगल हो रेक्टेंगल हो कोई भी शेप हो, उसकी बाहर की सभी साइड का सम कर दे वही उसका पेरीमीटर होता है। यहाँ पर भी सेम कर रहा है, अगर इसकी सभी साइड का सम कर दे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये वाला एक्स ले लिया मैंने, इसमें ये वाई जोड़ा, फिर एक्स लिया, फिर ये वाई जोड़ दिया, चारों साइड का सम कर दिया, इसका पेरीमीटर निकल गया। इसको ऐड कर दो, एक्स दो बार है तो 2x प्लस 2y हो गया, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, ये आपका हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर आप पहले लोग एकदम बिल्कुल आसानी से 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई क्या है, जहाँ पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। आई होप आप लोग को एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है?